जी 600 mm गोल्डन 10-15 इसकी पूरी असेंबल की वीडियो बनाई जा रही है। इसके अंदर क्रिस्टल है, ये स्टैंड है जिसकी एलईडी ताली है, एलईडी आ रही है, जिस चैंडेलियर फ्रेम है, ये फ्रेम है इसका। इसमें आपको ये सामान मिलेगा, जैसे झूमर का फ्रेम हो गया, ये एलईडी ताली हो गई, ये क्रिस्टल स्टैंड हो गया, ये क्रिस्टल हो गए, ये ऐसे डिश हो गई, ये सीलिंग का सामान हो गया। चलिए एक एक करके हम इसको पूरा असेंबल करके अभी आपको दिखा रहे हैं। ये एलईडी की थाली है जो हम इसको झूमर के फ्रेम में लाएंगे बिल्कुल बीच में। इस थाली को आपको निकाल लेना है, आपको इस तरीके से जी इसमें जो पेच है वो आपको निकाल लेनी है, ये वाले पेच पहले बोर्ड को अंदर कसना है। कस लेना है, और जो इसके बीच में छेद है इसमें से आपको केबल निकालनी है और इस थाली को फिट करना है। आपको ये वाली पेच डालनी है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। देखिए हमारी एलईडी थाली कस चुकी है, अब इसे हम क्रिस्टल स्टैंड कसते हैं। जैसे कि जो हमारा क्रिस्टल स्टैंड है इसमें हम इसको कसेंगे। उसके लिए आपको ये वाला पैकेट लेना है एक्सेसरीज का, पेच ले लेने हैं आपको और जो सामान लेना है। ये बड़ा वाला पेच है पहला आपको लेना है, और जीवाली और जीवाली रोड लेनी है, ठीक है। और जो जो छेद दिख रहे हैं आपको चारों तरफ से, इसमें से एक छेद में आपको ये बड़ा वाला पेच पीछे की ओर से निकाल लेना है, ठीक। और जो रोड है जिधर से चूड़ी है रोड की, उधर से इस पेच को कस देना है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप उसमें पेच लगा लीजिए, चाहे आप इसमें क्रिस्टल स्टैंड में पहले आप पेच लगा लीजिए, ठीक है। आइए आप ये वाली प्रोसेसिंग करते हैं तो अच्छा रहेगा। आपको इस तरीके से छोटे पेच को इसमें लगा लेना है, ये बड़े छेद में, इसी तरीके से ये चार हमारे इसी तरीके से आपको चारों में लगाने हैं।
देख सकते हैं ये क्रिस्टल स्टैंड में ये कस चुके हैं हमारे। इसको हमें उसी जगह कसना, जैसे ही हमने आपको पहले बताया था कि इसको चेन में लगाना है, उसी चेन में इसको फिट करना है। ये कुछ इस तरीके से, और पीछे का जो भी है इसका जो रॉट है ना, इसको इसमें जॉइंट कर देते हैं। ये आपको इसमें कस देनी, देखिए ये कस चुकी है हमारी, पीछे से देखिए ये हमारी कस चुकी है। ऐसी आपको चारों में कसनी है, देखिए आपको इस तरीके से कस लेना है, इसे पीछे से भी इसको टाइटली कसना है। ये हमारा क्रिस्टल स्टैंड देखिए कस चुका है, देख सकते हैं। इसके बाद आपको सीलिंग सीलिंग का सामान लेना है, ये रहा हमारा सीलिंग का सामान, इसको भी फिट करना है। ऐसे मैंने छोटे वाले बोल्ट इसमें लगा लेने हैं, हल्का हल्का बोल्टों को कस लेना है। ये कुछ इस तरीके से करना है, आपको एक बोल्ट ले लेना है। आपको इसे टाइटली कस लें और एक और बार इसको पेच कस से और कस लें प्लास्टिक कसने के बाद। ये जो हमारी ये इस चैन कवर को नहीं, ये डोरी या केबल है, इसको चैन कवर में डाल लेनी है। हवाई चैन निकल चुकी है, इसको खोल लेना है। देखिए जॉन्टर है ये, और ये आपका हाथ से निकले तो इसको प्लास में से खोलें।
देखिए इस डोरी को इस डॉट के अंदर से निकालना है हमें। ये देखिए निकल चुकी है डोरी। अब इस होल्डर को लेना है हमें, क्या है ये? इसका बोर्ड को खोल लेना है। पेज को टाइटली कस लेना है हमें। ये देखिए हमारी हेलमेट तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमें क्रिस्टल लगाना है। क्रिस्टल आपको तभी लगाना है जब इसको आप किसी पर लटका कर या फिर हैंगिंग पर, उसके बाद ही लगाना है। आपको जिस जगह लगाना हो उस जगह पहले टांग लीजिए, उसके बाद आप क्रिस्टल लगाइए। ताकि ये कांच के क्रिस्टल हैं, ये क्रिस्टल के लिए आपको एक जी वाला पैकेट ले लेना है। ये पिन का पैकेट है और ये क्रिस्टल का पैकेट लेना है। देखिए इसमें कुछ इस तरीके का ना होगा क्रिस्टल, और आप मेरे को इसमें से पिन निकाल लेनी है। देखिए इसमें छेद है क्रिस्टल में, ये पिन निकालने के बाद आपको इस पर लगानी है इस तरीके से कुछ। और जो क्रिस्टल स्टेट की जो छेद है उनमें ये पिन और क्रिस्टल को लगा देना है। देखिए इस तरीके से लग जाएगा, इसी तरीके से आपको सब में लगा लेनी है। पूरा कंप्लीट हो चुका है क्रिस्टल लग के। देखिए अब हम इसको जला के दिखाते हैं कि इसकी ये गोल्डन लाइट है येलो, जिसकी वाइट लाइट है, जिसकी बर्न वाइट लाइट है, इस झूमर की हाइट 100 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ ब्रेथ 60 सेंटीमीटर है।